देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने देर शाम कोतवाली विकास नगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी से कोतवाली विकास नगर दूर पड़ती है, इस इलाके से सांप्रदायिक के मामले भी सामने आते देखे गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोतवाली स्तर पर जितने भी अपराधी हैं उन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी जमीनों के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसको लेकर की धोखाधड़ी से जुड़े मामलों को लेकर भी शिकायतें मिलती है। उन शिकायतों पर किस तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? विकास नगर से जयसिंह विष्ट की रिपोर्ट। नगर में आज एक अनौपचारिक रूप से भ्रमण इसलिए रखा गया था कि चूंकि ये देहरादून शहर से काफ़ी दूर पड़ जाती है कोतवाली, साथ ही साथ यहाँ पर समय समय पर देखा है कि सांप्रदायिक मामले भी नोटिस में आते हैं, कुछ कास्ट वाइज भी कम्युनल इश्यूज भी आ जाते हैं नोटिस में। साथ ही साथ जो शिकायत आ रही ज़्यादातर वो नशे के यहाँ प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में, और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर जो नशे को एक कारोबार के रूप में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो क्या क्या कार्रवाई थाने स्तर पर चल रही है, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, ऐसे अपराधी जो यहाँ पर लंबे समय से नशे के कारोबार में या अन्य किसी अवैध गतिविधि में लिप्त हैं उनके विरुद्ध भी समीक्षा करके उसमें कार्रवाई करना, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में भी चूंकि ज़मीन के काफ़ी रेट बढ़ गए हैं तो उसके हिसाब से धोखाधड़ी की भी बहुत शिकायतें देहरादून में ऑफिस में लोग लेके पीड़ित आते हैं, तो उनकी भी एक अनौपचारिक रूप से बातचीत होकर उनकी समीक्षा हो जाए, और अगर कोई इस तरह गैंग बना के लोगों को धोखा दे रहा है तो उनके विरुद्ध क्या कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके।